दिल्ली में आज से छठा सीरो सर्वे शुरू हो रहा है और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दरअसल स्टडी ये निकल कर आती है सीरोलॉजिकल सर्वे में कि कितने लोगों में कोरोना के एंटीबॉडी बन गए हैं। एक ऐसे ही कैंप में समय हम मौजूद हैं जहां पर सीरोलॉजिकल सर्वे का काम चल रहा है। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में ये सर्वे किया जाता है और यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो दरअसल यहाँ पर सारी जो जानकारी है जिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं तो उनकी पूरी जानकारी एक फॉर्म में भरी जाती है सीरोलॉजिकल सर्वे में। उनसे फैमिली के बारे में पूछा जाता है, बाकी हिस्ट्रीज के बारे में पूछा जाता है, तो अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में किया जाता है। जैसे यहाँ पर अभी इनकी जानकारी ली गई है और अब सैंपल लिया जाएगा। तो ये वो डेस्क है जहाँ पर सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। इस पूरे स्टडी के दौरान ये देखा जाता है कि कितनी आबादी में कोरोना फैल चुका है। और जहाँ तक बात करें आयु वर्ग की तो तीन आयु वर्ग इसमें बांटे गए हैं, जिसमें एक 5 साल से 18 साल का होता है, दूसरा 18 से 49 साल और फिर 49 साल से अधिक आयु वर्ग वाले लोग। तो अभी जिस तरह से एक बच्चे का सैंपल लिया जा रहा है, दरअसल स्टडी का मकसद ये है कि अलग अलग आयु वर्ग और इसके साथ ही किस जेंडर में कितना कोरोना फैला है वो भी देखा जाता है। इससे पहले जो सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ था उसमें करीब 56% आबादी जो है दिल्ली की वो कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। और अभी यहाँ पर सारी जो जानकारी है जब यहाँ पर ये भर ली जाती है, इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स लिए जाते हैं, आयु लिखी जाती है, जेंडर लिखा जाता है, इसके बाद सैंपल का जो वाइल है वो तैयार किया जाता है और सैंपल कलेक्ट करके फिर इनकी टेस्टिंग होती है। इसमें ये देखा जाता है कि क्या कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज इसमें मौजूद हैं या नहीं है। इस तरह से सैम्पलिंग लेने के बाद अगर पिछले सर्वे की बात करें 28,000 लोगों का सैंपल लिया गया था, इस बार भी जो टारगेट है वो 28,000 लोगों का है। 272 वार्ड से ये सैंपल लिया जाएगा। 5वां सर्वे दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा सीरोलॉजिकल सर्वे था और इस बार के सर्वे में भी सैंपल साइज रखना उतने का ही लक्ष्य रखा गया है। तो सैंपल लेने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और ये आंका जाता है कि कितने लोगों में कोरोना फैल चुका है। तो बच्चे हों, महिलाएँ हों, बुज़ुर्ग हों, पुरुष हों, सभी की टेस्टिंग जो है वो इस तरह से सीरोलॉजिकल सर्वे के थ्रू की जाती है। और इसकी स्टडीज़ जो हैं ये बताती हैं कि कितनी आबादी जो है वो अब तक संक्रमित हो चुकी है। और यहाँ पर डॉक्टर जो मौजूद हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से सर्वे किया जाता है। मैम ये छठा सर्वे है तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर जो सैंपल कलेक्शन है उसका काम करते हैं और आप लोगों को क्या क्या निर्देश दिए गए? एक्चुअली हमें जो है वो हर एज ग्रुप से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि कितनी एंटीबॉडी बनी है। तो इसके लिए हमने तीन एज ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है हमारा 7 to 18, देन 18 to 49 एंड देन मोर देन 49 सीनियर सिटीजन्स में। उसके हमें इन टोटल 58 सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उनसे सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। वो सैंपल लेने के बाद हम देखेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट के हिसाब से हम उसके सर्वे को देखेंगे कि लाइक कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है। हमारा यही है तो हम इस एरिया में जितना ऐसा है वो करके और फिर उसके बाद हम अपने सर्वे का रिजल्ट बताते हैं। जो सर्वे फॉर्म भरा जाता है तो इसमें क्या आप लोग ये भी पूछते हैं कि जिनका आप सैंपल ले रहे हैं वो पहले कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं? वो पूछते हैं उसके रिगार्डिंग कि हुआ या नहीं हुआ है, वो हमारा एक सेगमेंट है उसमें। रैंडम सैंपलिंग की जाती है जिन लोगों को आप लोग बुलाते हैं? रैंडमली बुलाते हैं हम, जैसे कि अगर कोई हुआ है तो उसके तीन घरों को चार घरों को छोड़ करके एक ऐसे रैंडमली लेते हैं और फिर उसके हिसाब से करते हैं सैंपल। इस तरह से ये जो सीरोलॉजिकल सर्वे है इसका पूरा काम दिल्ली में शुरू हो चुका है और पिछले जो सीरोलॉजिकल सर्वेस की रिपोर्ट थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा था अभी एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी की ओर दिल्ली आगे बढ़ रही है। अब इस सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट इसलिए भी अहम हो जाती हैं कि इनसे पता चलेगा जो संक्रमण ज़्यादा बढ़ा है तो ये देखने को मिलेगा कि क्या दिल्ली की आबादी में और भी ज़्यादा कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल चुका है और लोग उससे ठीक हो चुके हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो ये तमाम स्टडीज़ जो हैं सर्वे में निकल कर आती हैं और अब देखना होगा कि ये छठा सर्वे जब पूरा होता है और इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है तो क्या दिल्ली की जो आबादी है वो वाकई हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर चुकी है, ये भी स्टडी से निकल कर आ सकता है। अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।